तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, और आगे हम लोग टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न के ऊपर, और देख सकते हो आपकी, जैसा कि हमने ड्रॉ किया था पिछले वीडियो में, ये चार्ट, मतलब ये लाइंस हमने जो ड्रॉ की थी, सेम उसी तरह फॉलो करते, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। और लेकिन मेरा अनुमान ये था कि 386 के प्राइस तक आएगा, बट ये ऊपर से ही मूव करके चला गया 400 के पॉइंट से। ठीक है, तो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, हमने बाई नहीं कर पाया, लेकिन जिसने भी बाई किया है, अब इसका टारगेट हमारा फर्स्ट यही होगा 448। और 448 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसे ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आप 455 और 460 के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा होशियारी के साथ इस स्टॉक के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेते हुए, क्योंकि अगर आपने इस 400 के लेवल में बाई किया होगा 400, तो अभी आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 430। 430 आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे ही ये स्टॉक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, इस ट्रेड लाइन को, तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस खिसक करके ये हो जाएगा, अभी करंट प्राइस जो है 437 और 441 पहला टारगेट हमारा, और सेकेंड टारगेट ये है 446। ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट करते, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, पहले इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाते ही इससे ब्रेकआउट कर देगा 442 वाले रेंज को। लेकिन ये रेंज जब आए 446, तो समझ लेना कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 441, 445, 46 आते ही। ठीक है, तो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप का सहारा लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हो अपनी टारगेट की तरफ, जो कि 460 आपका टारगेट है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट बना करके दे सकता है आपको। तो ये चीज़ें हो सकती है टाटा मोटर्स के अंदर।